दोस्तों, मैं डीएम पट्टी आपका स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, आज हम विधायिका 11th क्लास का जो चैप्टर है पोल साइंस का विधायिका, उसको पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, और अब पोल साइंस की मैं लगातार वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, ईमानदारी से कसम। ठीक है, तो ये चैप्टर अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो पढ़ लें, और पढ़ लिया हो तो मेरी गलतियां निकालें। ठीक है, ये नहीं कि भाई मेरी गलतियां निकालो, निकालो लेकिन, ठीक है, क्योंकि पढ़ाया तो कुछ नॉलेज होगी। ठीक, ये विधायिका चैप्टर पढ़ने से पढ़ रहे हो आप लोग तो आपको पता होगा कि कार्यपालिका न्यायपालिका भी कुछ चीजें होती हैं। जैसे कि सब्जी बनाने के लिए सब्जी लगेगी, मसाला लगेगा, पानी लगेगा ना, ऐसे इसको पढ़ने के लिए विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों के बारे में थोड़ा मोटा पता होना चाहिए। जैसे न्यायपालिका जो कोर्ट होता है उसको, जो न्याय करती है उसे बोलते हैं, जो भारत में न्याय करेगी, कानून की रक्षा करेगी। ठीक है, और विधायिका जिसे बोलते हैं वो कानून बनाएगी। ठीक है, और विधायिका कार्यपालिका किसको बोलते हैं, जो कानून को इम्प्लीमेंट करेगी राज्य में, देश में। ठीक है, कानून को लागू करवाएगी। ठीक, समझ गए। तो इस चैप्टर में हम विधायिका के बारे में जानेंगे, विधायिकी के बारे में पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, तो इसको हम सपोर्टिंग मटेरियल जो सरकार ने हमें दिया है उससे पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि भाई ये सपोर्टिंग मटेरियल बहुत जरूरी है। अगर आपने इसको हलवा मान रखा है तो आप खुद हलवे नहीं हो, ठीक है, लेकिन सपोर्टिंग मटेरियल बहुत अच्छा है। ठीक, क्योंकि सरकार की चीज, जैसे एनसीईआरटी बुक है वो पढ़ के लोग आईएएस आईपीएस तक बन जाते हैं, तो ये तो जरूरी होगा ना। तो सपोर्टिंग मटेरियल से पढ़ेंगे, इसके बाद जब ये सपोर्टिंग मटेरियल से चैप्टर खत्म करवा दूंगा तो उसके बाद खुद से करवाऊंगा, उसमें और इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, तो पहले इससे पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो चैप्टर चालू करते हैं। ये चैप्टर का नाम चैप्टर पांचवा, इसमें दे रखा है पांचवा चैप्टर विधायिका। ठीक है, विधायिका चैप्टर है, अब सुन लो। पहले तो बात ये जानो, विधायिका ना कार्यपालिका न्यायपालिका, क्या विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका, कार्यपालिका पीछे पालिका लगा लेना और न्यायपालिका। ठीक है, ये तीनों ना आपस में चैन से बंधे हुए हैं। ठीक है, ट्राइपोड समझते हो, ट्राइपोड जिसपे कैमरा लगता है, जैसे एक कैमरा जिसपे लग रखा है, ठीक, उसकी तरह ही आपस में जुड़े हुए हैं विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका। ये तीनों ना एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। बैलेंस का मतलब समझ रहे हो ना, ऐसा नहीं है कि संविधान ने किसी को बहुत ज्यादा शक्तियां दे दी है, कोई भी है ना बिना किसी की निगरानी के कुछ काम कर नहीं सकता। जैसे न्यायपालिका, अगर विधायिका और कार्यपालिका वाले कुछ गलत करते हैं तो न्यायपालिका वाले हैं डोरा पकड़ के खेच देंगे कि ज्यादा हीरो मत बनो। ठीक है, और विधायिका वाले कुछ गलत क्या करेंगे, नियम कानून बनाएंगे, तो है ना न्यायपालिका वाले, न्यायपालिका बोल देगी गलत है कानून, क्योंकि जानते हो ना न्यायपालिका यानी कोर्ट। कोर्ट को अगर कोई कानून असंवैधानिक लगता है तो उसे असंवैधानिक या रद्द कर सकते हैं, मतलब उसको रद्द घोषित कर सकते हैं कि ये कानून असंवैधानिक है, अगर कोई हो आपसे असंवैधानिक तो, और साबित भी हो जाए तो। ठीक है, तो ये तीनों एक दूसरे की, एक दूसरे पे डोरे, मतलब ये समझ लो कंट्रोल करके रखते हैं। ठीक है, यही बताना था। अब सुनो, एक मिनट, संसद की विधायी शक्तियों को संसद कहते हैं। ठीक है, संघ की विधायिका को संसद कहा जाता है। जो संघ है ना, देखो भारत है ना एक संघ है, भारत क्या एक संघ है, भारत एक संघ राज्य है। ठीक है, भारत एक संघीय राज्य है। आपने ना संविधान में या बुक में भी पढ़ा होगा, ये लिखा देखा होगा, क्या लिखा देखा होगा, भारत एक है ना संघीय राज्य है, संघीय राज्य है, राज्य, राष्ट्र लिखा आपको नहीं मिलेगा, राष्ट्र, राष्ट्र लिखा नहीं मिलेगा, क्योंकि भारत के लिए राष्ट्र शब्द का प्रयोग होता ही नहीं, समझ गए, भारत को संघीय राज्य बोलोगे लेकिन राष्ट्र नहीं बोलोगे। ठीक है, समझ गए, एक सारा सारी चीज गरीबों वाली है मेरे पास, राष्ट्र राष्ट्र सब कुछ। ठीक है, अभी थोड़ा पानी चाय का माला हिसाब है। हमारी जो है ना विधायिका, उसके अंदर क्या क्या शामिल होता है आप देखो, संघ की विधायिका को संसद कहते हैं, जो हमारी विधायिका है ना उसके अंदर क्या होते हैं, संसद शामिल, उसको संसद कहते हैं। क्या नाम है, संसद, हमारी विधायिका को, हमारी पार्लियामेंट को संसद कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में पार्लियामेंट, हिंदी में संसद, जैसे अलग अलग देश के किसी को सीनेट कहते हैं, किसी को मेंबर्स ऑफ चैम्बर, चैम्बर्स ऑफ मेंबर्स कहते हैं, लोगों का संघ कहते हैं, अलग अलग चीज कहते हैं अलग अलग देशों में। ठीक है, ऐसे आपको एक लिस्ट बना के दे दूंगा किस देश में क्या कहते हैं। ठीक है, तो हमारी विधायिका को संसद कहते हैं, और हमारी विधायिका के जो भाग होते हैं, यह राष्ट्रपति और दो सदनों, जो राज्यसभा या जनता का सदन,
लोकसभा कहते हैं, उसको मिलकर बनाते हैं, जो संसद है वो लोकसभा, राज्यसभा जो हमारी संसद है ना, हमारी विधायिका किससे मिलकर बनती है? लोकसभा और राज्यसभा से। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा एक तो कानून बनाते हैं ना, इसी में तो लोग कानून बनाते हैं। ठीक है, लोकसभा में लोगों का प्रतिनिधित्व होता है, इसीलिए इसका नाम लोकसभा है। मतलब लोगों का प्रतिनिधि मतलब जनता, जो लोग चुनके भेजेगी ना, जनता का प्रतिनिधि जो विधायक लोग होंगे इसमें बैठेंगे, समझ गए? और इसको राज्यसभा कहते हैं। ठीक है, और इन दोनों के अलावा संसद का एक और भाग होता है जिसको बोलते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जानते हो ना, देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति कहलाता है। और राष्ट्रपति लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों को मिलाकर क्या बनती है? हमारी संसद, विधायिका पूरी होती है जो कानून का निर्माण करती है। जानते हो, देखो जैसे कि लोकसभा में कोई कानून मतलब कि कोई विधेयक पास हुआ, विधेयक मतलब ऐसे कि पर्चे में कोई कानून बना के दे देंगे कि इसे पास करना है जी, लोकसभा वालों के पास गया, उन्होंने पास कर दिया, फिर राज्यसभा वालों के पास गया, उन्होंने पास कर दिया, तो कानून नहीं बना, अब वो जाएगा राष्ट्रपति के पास। अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसको वापस भेज सकता है, लेकिन ऐसा जैसे धन विधेयक होता है उसको सिग्नेचर करने पड़ते हैं। ठीक है, और सारी चीज होती है, जैसे कि मान लो कि कोई बिल है किसी भी चीज के ऊपर, जैसे महिला के ऊपर अभी बिल है, 21 साल एज करनी है शादी की, उसके ऊपर बिल है, तो लोकसभा ने पास किया, राज्यसभा ने, अब राष्ट्रपति उसे पास करे ना, उसकी मर्जी वापस भी भेज सकता है, लेकिन वो भी लोग फिर राष्ट्रपति को वापस भेज सकते हैं। अब राष्ट्रपति ने जब सिग्नेचर कर दिया ना, मान लो मैं राष्ट्रपति हूं, जब तक मैं किसी बिल पे सिग्नेचर नहीं करूंगा ना, तब तक वो बिल तब तक कानून के रूप में बदलेगा नहीं। ठीक है, पहले लोकसभा या राज्यसभा में किसी में ही पास होगा, फिर दूसरे सदन में जाएगा, पहला सदन लोकसभा, दूसरा या राज्यसभा, फिर राष्ट्रपति, राष्ट्रपति ने सिग्नेचर कर दिया तो वो रूल बन जाता है, संविधान के अनुरूप कोई कानून बन जाता है। समझ गए, ये होता है, समझना है किसी भी चीज को, समझने में जल्दी मत करना, आराम आराम से, इसीलिए मैं लंबी चलेगी ये क्लास, मतलब पार्ट में बनाऊंगा एक चैप्टर की, तब भी टाइम लगेगा। ठीक है, अब सुनो क्या होता है, राज्य परिषद या राज्यसभा और जनता का सभा, जो जनता को रिप्रेजेंट करता है वो क्या होता है? लोकसभा। जो राज्यों को प्रेजेंट करता है वो राज्यसभा। इस लोकसभा का मतलब है कि पूरे देश से जो लोगों ने भेजा है ना, जिन्हें चुनके, वो यहाँ बैठेंगे। और जो राज्यों ने, जैसे कि यूपी ने किसी मंत्री को भेजा है, और असम ने मंत्रियों को भेजा है, मध्य प्रदेश से जो मंत्री आएंगे वो इसमें बैठेंगे, वो राज्य की तरफ से मंत्री आते हैं, जो राज्य सरकार होती है वो अपने मंत्रियों को भेजती है वहां पे, समझ गए? यहाँ पे जनता चुन के भेजती है, जो लोग चुनाव में, हम जैसे मैंने वोट दिया तो मैंने जिस मंत्री को चुना वो लोकसभा में जाएगा, समझ गए? राज्यों की विधायिका को विधानमंडल या विधानसभा कहते हैं। देखो जैसे ये तो राज्य के, ये तो देश के लेवल पे हो गया ना, जैसे हमारे भारत देश में संसद है, संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति है। अब आ जाओ, ये तो पूरे देश के लेवल पे हुआ ना, अब किसी राज्य के लेवल पे आ जाओ, स्टेट के लेवल पे, ये था देश के लेवल पे, ये है राज्य के, जैसा मान लो यूपी है, उत्तर प्रदेश में क्या होगा? राज्य, जैसे देश के लेवल पे कहती लोकसभा है ना, तो इसमें होती है विधानसभा, और दूसरी होती है विधान परिषद। क्या होती है? विधान परिषद। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज शेयर कर देना, खासी आगे की। ठीक है, विधायिका है ना, जो देश के लिए कानून बनाएगी वो संसद होगी, संसद के क्या अंग होंगे? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। ठीक है, वैसे ही हर राज्य के पास भी अपने कानून बनाने के लिए वो होती है ना, संसद का छोटा भाई, उसको बोलते हैं विधानसभा और विधान परिषद। और इसके जो राष्ट्रपति होता है ना, राष्ट्रपति का ऐसा समझ लो जूनियर, यहाँ पे राज्यपाल होता है, समझ गए? कौन होता है? राज्यपाल। बिल्कुल, देश के लेवल पे संसद, उसमें लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, और स्टेट के लेवल पे विधानसभा, विधान परिषद, और उसमें राज्यपाल, जैसे कि यहाँ पे राष्ट्रपति था। समझ गए होंगे। ठीक, लोकतंत्रीय शासन में विधायिका का महत्व बहुत अधिक होता है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है जो कि ब्रिटिश प्रणाली पर आधारित है। अब ये देखो बड़ी माता पेची वाली बात है, लोगों को समझ नहीं आता,
किसी भी चीज को ना रटना नहीं है, समझना है। अगर ऐसा किसी ने समझा दिया तो मैं नाक काट दे रहा, ठीक है। मैं समझा रहा हूं पर पैसे तो दे नहीं रहे तुम लोग, लेकिन तब भी समझा दे रहा हूं, ठीक है। देखो क्या सीन है कि हमारे पे 200 साल बदनसीबी से अंग्रेजों ने हमारे पे शासन कर लिया, उन गोरों ने, साइमन गो बैक, ठीक है। साइमन मतलब अंग्रेजों ने, गोरों ने शासन कर लिया। अब जब अंग्रेजों ने शासन करा ना, तो जब हमारा देश आजाद हुआ था तो यहाँ पे बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा हिंदू मुस्लिम और गरीबी वरीबी ये सब चल रहा था, ठीक है। तो हमारे देश को संभालने के लिए उस समय संविधान बनाया, संविधान का भी बहुत प्रतिशत में भाग क्या लिया, 1935 का जो एक्ट है और 1946 में जो वो आई थी क्रिप्स मिशन कमेटी, उसके द्वारा हमारा संविधान को बनाया गया है। मतलब बहुत ज्यादा भाग उससे लिया गया, 1935 का भारत शासन अधिनियम एक्ट उसमें से लिया गया है, ठीक है। हमारे संविधान का बहुत बड़ा हिस्सा 1935 के एक्ट में से, ठीक। सीरियस बात बोल रहा हूं, तो इस पे अंग्रेजों की छाप दिखती है, ठीक है। अंग्रेजों की छाप दिखती है हमारे संविधान पे। तो जो प्रणाली भी है ना संसद प्रणाली, ये हमने इंग्लैंड वालों से लिया। क्यों? क्योंकि बहुत टाइम से ये आपके पोल साइंस का बहुत मेन सवालों में से एक है कि हमने अंग्रेजों की प्रणाली क्यों ली। क्यों ली भाई? क्योंकि हम बहुत टाइम से अंग्रेजों के शासन में ही पल रहे थे, मतलब अंग्रेज के में संभाल लेते, और अंग्रेज 1947 में एकदम से हमें अनाथ करके चले जाते, मतलब चले जाते भारत को छोड़ के चले गए, ठीक है। और हमारे पास कुछ नहीं रहता, कैसे चलाते फिर हम अपने देश को, कोई और कब्जा कर लेता आके हमारे देश पे। तो इसलिए हमने भारत को चलाने के लिए अंग्रेजों के ही शासन व्यवस्था अपनाई। अंग्रेजों की जैसे वहां की संसद है वैसे हमारी भी पार्लियामेंट है, ठीक है, वो बनाई। यही है अंग्रेजों की संसद जो बनाई गई थी, ठीक। भारत में भी वही चल रही है। अब देखो संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। ये बातें लिखते भी रहना, जितनी बातें मैं बोल रहा हूँ सपोर्टिंग मटेरियल में से खाली मैं पॉइंट उठा रहा हूँ, और जितने एक्सप्लेन कर रहा हूँ 1935 का एक्ट, ये तुम्हें इसमें नहीं मिलेगा सपोर्टिंग मटेरियल में। ये बड़ी बातें हैं, ठीक है, बड़े लोग बन जाओगे तुम, ठीक है। बातों बातों में है ना, मूवी की तरह देखो, जो मैं कहानी बता रहा हूँ ना मूवी की तरह सुनते रहो, पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोबारा, बस गौर करना कि क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है, ठीक है। अब थोड़ी सी वीडियो है उसके बाद बंद कर दूंगा, अगले टाइम बनाऊंगा, ठीक है। अब देखो भारत में संसद है, ठीक है, अलग अलग देशों में जो संसद है ना, देखो एक मिनट, ये जो संसद है, ये संसद है ना जगह का नाम है, एक व्यवस्था का नाम है। अलग अलग देशों में चाइना में अलग बोलते हैं, इसका नाम कुछ और होगा, अमेरिका में इसका नाम होगा, भारत में इसका नाम संसद है, समझ के। जहां पे लोग मंत्री बैठ के, हमारे रिप्रेजेंटेटिव बैठ के क्या करते हैं, कानून बनाते हैं, समझ गए। संसद के दो सदन होते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा। लोकसभा क्या करेगा, लोगों का प्रेजेंटेशन करता है, मतलब हमने जो बंदे चुने हैं ना अपने यहां से, जो नेता लोग चुने हमने, जो भी सांसद चुनते हम लोग, वो संसद की लोकसभा में जाके बैठते हैं, समझ गए। और जो राज्य की सरकारें चुनती हैं, जैसे यूपी की सरकार ने अपने सांसद, कुछ सांसद विधायक लोगों को भेजा है, कहां पे, मंत्रियों को, राज्यसभा में, तो वो राज्यसभा में जाते हैं, जबकि जो लोग हम चुन के भेजते हैं वो लोकसभा में जाते हैं, समझ गए। सॉरी, देखो बड़ी अजीब सी बात है, जो लोकसभा है ना और राज्यसभा, राज्य से राज्यसभा, लोक से लोकसभा, लोकसभा में जनता भेजती है, राज्यसभा में राज्य लोग, राज्य मंत्रियों को भेजेंगे, समझ गए। लोकसभा में लोग भेजेंगे जैसे हम लोग, राज्यसभा में राज्य भेजेंगे, लोकसभा में लोग, राज्यसभा में राज्य, समझ आया। बहुत ज्यादा तेज बोल रहा हूं यार, मेरे गले में दर्द होने लग गया, ठीक है। लोकसभा में लोग भेजेंगे, राज्यसभा में राज्य, ये पता है मैं इतना चिल्ला क्यों रहा हूँ या मैं इतना भौंक क्यों रहा हूँ, इसीलिए कि आप लोगों को रट जाए अभी बैठे बैठे, मतलब दिमाग में फिक्स हो जाए एकदम, दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। लोकसभा में लोग भेजते हैं, ठीक है, राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, लोकसभा जनता का प्रतिनिधित्व करेगी, इसीलिए तो हमारे देश में लोकतंत्र है भाई, ठीक है भाई लोगों, अपने देश में इसीलिए लोकतंत्र है क्योंकि लोकसभा में जनता का प्रतिनिधित्व है लोगों का, राज्यसभा में राज्य का, समझ गए। अब बहुत अजीब सी बात है, लोकसभा में देखो अधिकतम अभी कितने, 545, ठीक है, और राज्यसभा में मान लो, राज्यसभा देखो एक मिनट, लोकसभा में और राज्यसभा में तो है, पता क्यों, लोकसभा में और राज्यसभा में जितने सदस्य होता है ना, एक बहुत अजीब सी बात है कि लोकसभा में देखो ज्यादा लोग हैं,
ठीक है, लेकिन राज्यसभा को बड़ा सदन बोलते हैं, ठीक है, लोकसभा में ज्यादा लोग हैं लेकिन राज्यसभा को बड़ा सदन बोलते हैं, लोकसभा में अधिकतम 550 हो सकते हैं, इसमें 250 मान लो, ठीक है, एक बात सुनो, लोकसभा में जो अधिकतम लोग हो सकते हैं ना 550 और राज्यसभा में 250, लेकिन देखो लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, निम्न मतलब ऐसे छोटी जात बड़ी जात नहीं, निम्न सदन मतलब छोटा सदन और राज्यसभा मतलब बड़ा सदन, समझ गए, लोकसभा में कम ज्यादा लोग हैं लेकिन इसे छोटा सदन कहते हैं, जबकि राज्यसभा में कम लोग हैं इसे बड़ा सदन कहते हैं, समझ में, लोकसभा को निम्न सदन, राज्यसभा को अपर सदन, लोअर हाउस अपर हाउस, देखो लोकसभा एल से लोकसभा मतलब लोअर हाउस, आर से राज्यसभा बड़ा हाउस, एल से लोकसभा लोअर हाउस, एल से लोकसभा और लोअर हाउस मतलब निम्न सदन, आर से राज्यसभा मतलब अपर सदन बड़ा हाउस, समझ गए, लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, राज्यसभा को अपर सदन कहते हैं बड़ा हाउस, समझ गए। अब देखो लोकसभा में ना प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है जनता द्वारा, मैंने बोला लोकसभा में कौन होगा जो जनता ने चुन के भेजे होंगे, तो जैसे कि हमने यहाँ पे मान लो सांसद होते हैं ना आपके आपके इलाके आपके आप जहां पे रहते होंगे वीडियो देख रहे हो, आपके यहाँ पे भी सांसद होंगे, मंत्री होंगे, सांसद बोलते होंगे जिन्हें, जो भी हो आपके यहाँ का, ठीक है, सांसद जो भी हो आपका, वो आप चुनते हो ना, उसको चुनाव होता है, आप चुनते हो तो प्रत्यक्ष रूप से आप जाके वोट डालते हो ना, पहले जान लो प्रत्यक्ष का मतलब होता है जो हम डायरेक्ट करें, ठीक है, अप्रत्यक्ष मतलब हमने ना करा हो लेकिन हमारे द्वारा ही हुआ, ठीक है, जैसे कि लाइट जल रही है इस कमरे में, मेरे को लाइट बुझानी है, मान लो मेरे को आपको चाटा मारना है, ठीक है, मैंने आपके आपके गाल पे चाटा मार दिया खींच के, ठीक है, तो ये क्या प्रत्यक्ष रूप से मारा मैंने आपको, ठीक है, अगर यही काम मुझे करवाना हो, मैंने किसी को सुपारी दे दी 10 रुपये, हाँ भाई चिंटू ले 10 रुपये, इसके गाल पे चाटा मार दे, तो मैंने चाटा पड़वाया मैंने लेकिन किसी और ने मारा है, तो ये अप्रत्यक्ष हो गया, समझ गए, प्रत्यक्ष मतलब ऐसे मारूंगा, अप्रत्यक्ष मतलब ऐसे मारूंगा, समझ गए, ठीक है, तो लोकसभा में जो लोग चुन के जाते हैं ना, वो हम चुन के भेजते हैं, आप चुन के भेजते हैं, समझ गए, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष चुनते हैं कि हमने वोट डाले और जो जिसको वोट डाला उनमें से लोग चुन के गए लोकसभा में, समझ गए, जो जीतते हैं वो जाते हैं, ठीक है, और ये तुम्हें समझ आएगा जब मैं समझाऊंगा कि हर स्टेट को कितने कितने लोग भेजने होते हैं, जैसे दिल्ली, दिल्ली में विधानसभा की कितनी सीटें हैं, नहीं लोकसभा की 70 सीट के आसपास है ना, तो आपको पता करना होगा हर स्टेट की कितनी कितनी है, ये आपका होमवर्क है पता करना, ठीक है, लोकसभा में प्रत्यक्ष रूप से चुन के जाते हैं लोग और राज्यसभा में कैसे जाते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से चुन के, कैसे, अप्रत्यक्ष, ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन राज्यों की विधानसभाओं को निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा, देखो क्या होता है कि लोकसभा में तो जो सांसद जीते ना जिनको हमने जिताया वो चले गए डायरेक्ट, हमने चुना उनको और वो डायरेक्ट चले गए, ठीक है, लेकिन राज्यसभा में कौन जाता है, जिनको हमने चुना है ना राज्यों में, राज्यों में जिनको हमने चुना है, राज्यों में जानते हो ना विधानसभा होती है, तो ये विधानसभा होती है ना, विधानसभा और विधान परिषद, विधानसभा के जो लोग होते हैं ना, विधानसभा के अंदर जो लोग होते हैं वो लोग चुनते हैं उनको, समझ गए, हमने विधानसभा वाले लोगों को चुना, ठीक है, हम किसको वोट डाल लें, जैसे हमारी विधानसभा मेरी लगती है किराड़ी विधानसभा, दिल्ली में रहता हूं मैं, ठीक है, तो हमने अपने विधानसभा वाले को चुना होगा, हमारे जैसे ऋतुराज जीत गया मान लो कोई जीत गया, हनी सिंह जीत गया हमारे यहां से, ठीक है, तो हनी सिंह जीता विधानसभा से, वो मंत्री बन गया हनी सिंह, और हनी सिंह है ना विधानसभा में, मान लो विधानसभा से जीता, अब हनी सिंह चुनेगा किसी को, और उसको जिसको हनी सिंह चुनेगा ना, हनी सिंह और इसके साथ ही चुनेंगे, वो जाएगा राज्यसभा में, समझ गए, मतलब लोकसभा में हम लोग डायरेक्ट चुनते हैं और डायरेक्ट भेज देते हैं, राज्यसभा में क्या होता है, हम जिसको चुनते हैं ना वो बंदे चुनते हैं, समझ गए, लोकसभा में जैसे आप हो मैं हूं, हम लोगों ने वोट डाला, हमने चुना और भेज दिया, ठीक है, डायरेक्ट, राज्यसभा में क्या होता है, हमने जिनको चुना है ना वो चुनते हैं फिर किसी और को, ठीक है, वो राज्यसभा में जाते हैं, समझ गए, तो ये आज के लिए इतना ही बहुत है, ठीक है, और कल इसके ऊपर 2 और वीडियो बनेंगे, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आराम से करो और अच्छे से करो, मेरा मानना तो ये है, राम राम, सत श्री अकाल, समझ आया हो तो अच्छी बात है, नहीं समझ आया होगा तो बहुत अच्छी बात है, और दोबारा देखना फिर वीडियो, ऐसे वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जय हिंद।